नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विश्वविद्यालय के बारे में, जिसमें आज की जो भी अपडेटेड न्यूज है आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग इसी तरह की अपडेटेड न्यूज मिलती रहती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पीजी व स्नातक में नामांकन शुरू, 25 है आखिरी तिथि। यहाँ पर पीजी और स्नातक में नामांकन शुरू कर दी गई है, जिसमें आप लोग का 25 अगस्त तक आखिरी तिथि दी गई है, जो आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को कि अगर मेरिट लिस्ट जिनको नहीं पता है कि अभी तक नहीं जारी किया गया, जारी कर दिया गया है, आप लोग जाकर इसके वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पहली मेधा सूची में 90% पर गणित का कट ऑफ गया है। तो वैसे कैंडिडेट जिस कैंडिडेट का उतना कट ऑफ नहीं है, उन सभी कैंडिडेट को कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग का कट ऑफ उतना नहीं है, अगर 80 तक है तो आप लोग सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, अगर नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग अगले अगर एडिट होता है तो अगले मेरिट लिस्ट के लिए आप लोग विषय जरूर बदलिए, नहीं तो आप लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कला व वाणिज्य में 3000, तो साइंस में 3200 रुपये शुल्क रखी गई है, यानी कि कला और वाणिज्य में आप लोगों को 3000 रुपये लिया जा रहा है एडमिशन फ़ीस, और यहाँ पर 3200 रुपये शुल्क लिया जा रहा है साइंस में एडमिशन फ़ीस के तौर पे। यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर पीजी में जो भी कैंडिडेट जो प्रमोटेड छात्र हैं वो फेल की सूची में यहाँ पर डाला जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों का प्रमोटेड छात्रों का नाम फेल की सूची में, 250 से अधिक छात्रों का रिजल्ट भी पेंडिंग कर दिया गया है। शनिवार को बिहार विश्वविद्यालय ने 2022 के पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया, यानी कि सेशन 2020-22 के जो कैंडिडेट हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा का जो रिजल्ट जारी किया गया है, उसका में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रमोट किए गए हैं, उसमें को फेल की सूची में रखा गया है, यानी कि वो डायरेक्टली उनको फेल कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि स्नातक की मेधा सूची जो 16 अगस्त को जारी किया गया था, आप लोग 16 अगस्त पहले जो आप लोगों का नामांकन शुरू हो चुका है 16 अगस्त से, और आप लोगों का 25 तक चलने वाला है, तो आप लोग जल्द से जल्द नामांकन जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को वैसे कैंडिडेट होते हैं जिनको पता नहीं रहता और जिसकी वजह से उनका एग्जामिनेशन उनका एडमिशन छूट जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।